अच्छा लग रहा है, एक कपल का गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो मैंने कहा इसको भरपूर बनाना चाहिए। ये भी एक डीवीडी जो है तुम लोगों की यादगार रहेगी, बल्कि हमारा शो बाद में तुम लोग दिखाना अपने बच्चों को। ऐसे होता था बेटा, देखो ऐसे होता था। सो यहाँ ये दोनों हमारे साथ हैं, रूबा और हारिस, और इनको जरा पते की, इनको ही नहीं बल्कि इनको भी पते की बातें बताने, हमने तो आपको जुबैदा तारिक बना दिया। डॉक्टर उम्मीद राहील है, और बिल्कुल जुबैदा तारिक वाले सवाल नहीं करूंगी मैं, कोई मसला नहीं, लेकिन सबकी जिंदगी आसान बनाने के लिए आप हैं इंशाल्लाह, इनकी और इन जैसे तमाम बच्चों की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सवालात का सिलसिला यहाँ से शुरू होगा, जरा कुछ सवालात हम इन दोनों से कर रहे हैं, आप भी सुनिएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये वाला जो खाना है इसमें ये जितने भी ये दिल हैं, ये आपकी बेगम, होने वाली बेगम के दिल हैं, और इसमें इन्होंने कुछ खास बातें, कुछ सवालात ऐसे हैं जिसके जवाब हमने इनसे ले लिए हैं। हम वो सवाल आपसे करेंगे, देखते हैं हम इनको कितना जान पाए इतनी कम अरसे में, और उसी तरह वाइस वर्सा, ये जो नीचे के सारे दिल हैं ये इधर, ये हम आपके होने वाले हस्बैंड के बारे में सवाल करेंगे, जो जवाब हम इनसे ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, आप इसके जवाब हमें अपने हिसाब से बताएं। ठीक है, रेडी? चलिए जी, पहला दिल खोलें, सवाल निकाल के दें, दो सवाल हैं इसमें, एक सवाल निकालें, पढ़ के मैं बताती हूँ। करीब का चश्मा तो नहीं लगा ना? मुझे नहीं लगा। रूबा कहाँ जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है? ये मतलब कराची में है वो जगह, वो कहती है बस हर टाइम उधर मुझे जाना। क्या है, कौन? दो दरिया। सही जवाब, वाह वाह वाह, हाय अल्लाह, 20 साल वालों के बाद उनको तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है जिंदगी में। ओके, अगला सवाल जी, कौन सी एक आदत है जो अरूबा चाहती है कि हारिस अपनी चेंज कर ले? जाहिर बात है गुस्सा। अरे अरे क्या बात है, सुनो तुम लोग आपस में एक दूसरे से 24 घंटे में कितनी बातें करते हो मुझे बताओ जरा, कितने घंटे तक फोन चलता है बता दो मुझे। पूरे दिन को अगर काउंट किया जाए, पूरे दिन में अगर टोटल काउंट किया जाए तो एक घंटा ही होगा, क्योंकि एक मिनट बड़ी तुम सेकंड्स, दो मिनट बड़ी, तुम लोग क्वालिटी वाली बातें करते हो क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं, वरना क्या बात होती है। क्या खाने में क्या पकाया है, क्या पकाया है? आलू गोश्त खा रही हो? अच्छा, कौन से रंग का जोड़ा पहना हुआ है? मतलब ऐसी ही बातें होती है इस गोल्डन पीरियड में, लेकिन एक घंटा है सो सॉलिड बातें होती होंगी। ओके, सो अरूबा तुमसे पहला सवाल। ओके, कौन सा एक रंग हारिस को रूबा पे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? ब्लैक। क्या बात है, सुनेंगे क्या, मतलब मेरी टीम ने कोई अंडर द टेबल जवाब तो नहीं बता दिए, तो माशाल्लाह इतना परफेक्ट चल रहा है। अभी तुम लोगों को प्रॉपर मिले हुए कितने महीने हो गए? प्रॉपर मिले हुए देखा मतलब ऑलमोस्ट एक साल हो गया यार, एक साल में बड़े फास्ट सब कुछ पता चल गया माशाल्लाह। लाओ, सही जवाब है तुम्हारा बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल, कौन सी एक आदत है जो हारिस चाहता है कि रूबा अपनी चेंज कर ले? गुस्सा। वैसे कॉमन है ना आदत। जो बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड वेरी गुड, स्कोर बराबर का चल रहा अभी। नेक्स्ट दिल खोले जनाब। ओके सही है जी, अगला सवाल है कि किस एक सेलिब्रिटी का रूबा सोशल मीडिया, मतलब कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको रूबा सोशल मीडिया पे स्टॉक करती है, आपको पता है? पाकिस्तानी या मतलब? हाँ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी अगर मैं ये भी बता दूं, चलिए फीमेल, मेल नहीं, आयशा खान। एक ही है जो अच्छी लगी। यार ये क्या बात है यार, तभी तो आयशा कितने फॉलोअर्स हैं। हाँ जबरदस्त, सही जवाब। आप किसको फॉलो करते हैं? अच्छा मैं नहीं पूछ रही, बड़ा लगा कि तो सवाल है, मैं नहीं पूछ रही, मैं ब्लंडर करने वाली थी, दूसरा सवाल करूं। सही जवाब दे दिए भाई। ओके, अरूबा घर के किस एक काम से भागती है? माशाल्लाह कहती है बस मुझे सफाई पोछे का बिल्कुल ना कर दे, बाकी हर काम करा दो। बिल्कुल सही जवाब है, देखिए जरा ये किचन में रखा, मतलब एक साल में इतना जान गए एक दूसरे को, अच्छी बात है, हम तो 20 साल वाले हार जाए यहाँ आगे। ओके चलो रुबा तुम्हारी बात यहाँ। ओके, हारिस को घर का कौन सा काम करना सबसे बुरा लगता है? मतलब लड़के भी आजकल थोड़ा बहुत काम करते हैं ना, तो
सफाई सफाई का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं. हाँ, मेरे ख्याल से अपनी चीज़ें कहते हैं कि बस कोई और संभाले, खुद नहीं संभाली जाती, कुछ इस तरह का है. मुझे उम्मीद नहीं थी कि सही जवाब है वगैरह सब. आई कांट बिलीव इट कि क्या हुआ है, साथ बैठ के किए कि कैसे भाई कि क्या हो रहा है. माय गॉड. हाँ, तुम ये शिकायत करती हैं सास और नंद के भाई अपनी चीजें नहीं संभालता. हाँ, बस इनको होता है कि चीजें प्रॉपर चाहिए लेकिन हाँ, संभालने वाला कोई और चाहिए. कोई और भाई. हाँ हाँ, सही है. दूसरा सवाल. सही जा रहे हैं भाई अभी तक तो. ये हारिस किस एक्ट्रेस को इंस्टा पे स्टॉक करते हैं? एक्ट्रेस बोला मैंने, ये भी मैंने हिंट दी है, एक्टर नहीं बोला. किसको स्टॉक करते हैं? इनको मेरे नाम कोई और अच्छा लगता है, नहीं तो शायद मुझे ही करती होंगी. माय गॉड, बिल्कुल नहीं. अगर करूंगा तो वो भी पंचायत होगी कि इसको क्यों दिया. सही है भाई, सही है. ये नहीं चाहते इनकी जिंदगी में कोई पंचायतें हो, अच्छी अच्छी सीधी सादी जिंदगी गुजरे. शक्की मिजाज है उरुबा. I cannot tell you my words. एक्सप्रेशन इशारे करके बता दे. नो, यस 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 यस. मोहब्बत करने वाली लगती है. मेरी पोजेसिविटी इसको पसंद नहीं है, लेकिन खुद का पोजेसिव होना इसको बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, क्या क्या होता है जैसे किसी से थोड़ी सी ज्यादा बात कर ली या किसी दूसरी की तारीफ कर दिया? रूपा देखो उसका हेयर कट कितना अच्छा, कितना जोड़ा पहना है. आज तक मैंने किसी लड़की की इसके आगे कभी भी नहीं की. कभी भी नहीं. तो आपको कैसे अंदाजा हुआ कि ये थोड़ी पजेसिव है या थोड़ा शक्की मिजाज हो? मतलब जब हमारी बात होना स्टार्ट हुई तो मैंने पहले इसको इसकी बातों में जाना कि मतलब इसको क्या, इसकी लाइक्स और डिसलाइक्स को. तो उसके बाद मतलब मैंने इसको कोई चांस ही नहीं दिया आज तक. ये मेरी किसी बात से लड़ी नहीं है मुझसे. ओए होए, लेकिन आपको अंदाजा हो गया कि आगे चलने के बाद मैंने किसी की तारीफ कर दी तो मुझे घर में खाना नहीं मिलेगा, ये पता है आपको. किसकी बारी है? मेरी. आपकी है. चले आज. ओके, रूबा के दिल में कौन सी एक ख्वाहिश है जो हारिस के साथ पूरा करना चाहती है? वो मेरी, मेरा एक ही ड्रीम है. आपका ड्रीम नहीं, मैं पूछ रही हूँ अरूबा का ड्रीम. अच्छा, तो अरूबा का ड्रीम मतलब हम जब मैंने इसको अपना बताया था ना तो इसने भी मुझे बताया था कि मेरी भी एक ही विश है कि हम मतलब मेरी जिससे शादी हो, मतलब अल्लाह ताला ने जिसके साथ लिखा हुआ, तो मैं उसके साथ अल्लाह के घर पे जाके निकाह करूं, मतलब उमरा करना चाहती हूं. बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त. तो निकाह के बाद आप लोग सबसे पहले उधर जाना चाहते हैं? प्लान हमारा है कि हम निकाह ही वहां पे जाएंगे. ओह जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त. चलो, बहुत अच्छी सोच है, जबरदस्त. अल्लाह मुबारक करे. आगे. हाँ सही जवाब जा रहे हैं अभी तक तो. 100% स्कोर है. मतलब मेरे पास जितने भी गेस्ट आए उनमें ये पहली जोड़ी गोल्डन पीरियड में. समझदार बच्चे स्कोर अच्छे कर रही है भाई, समझदार बच्चे सही में. अरूबा को किस चीज से का फोबिया है, डर है, खौफ है? हाइट. यार कि क्या क्या कि, कैसे कोई पर्चा आउट हो गया है क्या, पेपर आउट हो है? मुझे ऐसे लग रहा है सारे सवालों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं. चले जी अरूबा, आप चले. अभी तो 100% जा रही है हर चीज. ओके, हारिस के दिल में कौन सी एक ख्वाहिश है जो अरूबा के साथ चल गई भाई, उम्रे वाली. ये तो तुम लकी हो भाई. हाँ, कुछ चीजें हमारी बहुत ज्यादा मैच करती हैं, पता है. अच्छा, हारिस को किस चीज का फोबिया है? हाइट फोबिया. ले, डर भी है जैसे. मतलब कि आप लोग ट्रेन में, गाड़ी में, बोट में, शिप में, इस पे सफर करेंगे? जहाज में नहीं, आप लोग छुट्टी पे जाएंगे कोई 3 महीने की? नहीं, हमने जहाज में सफर किया, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठे. क्यों? एक दूसरे को संभालना पड़ जाएगा ना, दूर दूर से देख रहे थे कि भाई क्या हालात है. इसका मतलब आप हनीमून पे जाएंगे, जहाज में नहीं जाएंगे. कोई ऐसी जगह मार्क करेंगे कि कुछ जमीन पर हो. हाँ, जमीन पर हो. अच्छा, उम्रे के बाद क्या प्लान किया है, कहाँ जाना है? देखिए, पहले तो उम्रे का ही प्लान है. हाँ, और उसके बाद गाड़ी में जहाँ जा सके. गाड़ी में जाने के बाद गाड़ी में जहाँ जा सके. दुबई शुबई निकल गए, गाड़ी में दुबई निकल गए. बस फिर साल भर में वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह. समंदर, सात समंदर क्रॉस करते हुए. हाइट फोबिया है ना जहाज वाला. सो नहीं, हम नींद की गोली खा के जाएंगे. मेरे ये सोचा जहाज में सोते हुए जाएंगे दोनों. गुड आइडिया. ओके, किसकी बारी है नेक्स्ट? आपकी है. ओके,
कौन से खाने की चीज देख के अरुबा की अरुबा का डाइट तोड़ने का दिल चाहता है? बिरयानी। मैं आपको मान गई, मैं आपको मान गई। चलिए अगला सवाल। चलिए भाई, किन चीजों पे अरुबा अपने पैसे ज्यादा खर्च करती है? चीजें काफी हैं, लेकिन मेकअप ठीक है, और इसको जो जूतियों का शौक है। अल्लाह मैं कहां जाऊं, शर्म करो तुम लड़कों, सीखो कुछ इससे। सही जवाब आप पास, ये बच्चा पास हो गया है भाई 100% है डॉक्टर मेरा ही, तो उसको सब पता है भाई, सब सीख के फिर शादी होगी। पता चल जाए ना कि क्या क्या है, क्या अच्छी बात है। हाँ, बड़ी इससे ना नोक पलक के लड़का ढूंढा है भाई, छांट के। माशाल्लाह। कौन से खाने की चीज से हारिस को चिढ़ है? कौन सा खाने की चीज नहीं पसंद हारिस को बिल्कुल? एक तो हार जाओ, मुझे जीतने दो। करेले, भिंडी वगैरह नहीं अच्छी लगती? वगैरह की जरूरत नहीं है, भिंडी नहीं अच्छी लगती। हाँ, लाओ भाई दूसरा सवाल। जीत गई भाई, अभी लास्ट रह गया है, हारिस ड्रॉ नहीं होना चाहिए। किन चीजों पे पैसे खर्च करना हारिस को फजूल लगता है? लेकिन फिर भी करते हैं, फिर भी करते हैं। किस पे? परफ्यूम्स। सही जवाब भाई, ये ड्रॉ हो गया। कोई चटपटा मजे का सेगमेंट नहीं हुआ, ड्रॉ हो गया। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.